नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने तीन बातें इरशाद फरमाई। सबसे पहले हुजूर ने निजात के लिए जो बात इरशाद फरमाई वो बड़ी काबिले गौर है और समझने वाली है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पहली बात इरशाद फरमाई, फरमाया अगर तू निजात चाहता है तो अपनी ज़ुबान को अपने काबू में रख, अपने बोलने पर कंट्रोल कर, तोल के बोलना शुरू कर, अपने लफ्ज़ों की हुरमत का ख्याल कर। अपनी ज़ुबान पर जो बंदा कंट्रोल पा गया ये पहली अलामत है निजात की। और एक मकाम पे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यूं भी बयान फरमाया, फरमाया तुम मुझे गारंटी दो दो चीज़ों की और मुझसे गारंटी ले लो जन्नत की। फरमाया तुम मुझे अपनी दो टांगों के दरमियान शर्मगाह की और दो जबड़ों के दरमियान ज़ुबान की गारंटी दे दो और मैं अल्लाह का महबूब हो के तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। पहली बात निजात के लिए नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाई कि अपनी ज़ुबान को अपने काबू में कर, इस पर कंट्रोल कर। और दूसरा फरमाया तेरा घर तेरे लिए काफ़ी है, इधर उधर बिला वजह ना घूमा कर, बगैर सबब के बहुत सारी मजालस में ना जाया कर, ज़रूरत के लिए जाएं, खैर पाने के लिए जाएं, अच्छे इरादों से सफ़र करें। गए हमारे सूफिया उलमा दूर दराज के सफ़र किए मुहद्दिसीन ने, किस लिए? हुजूर की अहादीस को जमा करने के लिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के फैज़ान से हिस्सा पाने के लिए। लेकिन फरमाया इधर उधर ना, कुछ लोगों को बड़ा शौक़ होता है, इस मजलिस में भी जाएंगे, उस महफल में भी जाएंगे, उसकी भी सुनेंगे, इसकी भी सुनेंगे। नतीजा ये रहेगा कि बेयकीन हो जाएंगे, अपने घर से निकलेंगे, घर घर फिरेंगे, किसी घर के नहीं रहेंगे। तेरे लिए तेरा घर काफ़ी है, अपने घर रह, अपना घर जो है वो तुझे किफ़ायत करे, अपने घर में कयाम कर। ये दूसरी अलामत है निजात के लिए। और तीसरे नंबर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तू निजात चाहता है ना तो अपनी खताओं पे रोया कर, अपनी खताओं पे आंसू बहा, अपने आप पे रो अगर चाहता है कि बच जाए। तीन चीज़ें नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाईं, ज़ुबान को काबू में करो, अपने घर में क़याम करो, और फरमाया कि तुम अपनी ख़ताओं पे रोया करो। ये तीन अगर चीज़ें तुम्हें मुयस्सर आती हैं तो फिर रसूल पाक अलैहिस्सलाम की ज़ुबान ने फैज़ हक के तर्जुमान से गारंटी मिल रही है कि अल्लाह उस बंदे को निजात अता फरमाएगा। बहुत शौक़ है लोगों को बातें करने का, बड़ी बातें, ओए होए, जो बात बड़े मुख्तसर लफ्ज़ों में दो जुमलों में बयान हो सकती है उसके पीछे इतनी लंबी तमहीद बांधेंगे कि असल बात ही रह जाएगी बीच में से। गुफ्तगू, बात बोलना, यानी बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है दो लोगों के बीच और कोई दाना आदमी बात कर रहा है तो फटाफट मुदाखलत करेंगे और जुमला फेंकेंगे, कहेंगे कथा कलामी माफ़, और अपनी बात शुरू कर देंगे। तो मैं कईयों को रोक के कहता हूँ कि पहले आप पूछ तो लें हमने माफ़ किया भी है कि नहीं। बहुत बातें करते हैं बाज़ लोग, बहुत बातें करते हैं, और दुनिया में जो ज़्यादा ख़ताएं होती हैं वो ज़ुबान की वजह से होती हैं। अमलन कोई किसी को क्या तकलीफ़ देगा, हाथ कोई किसी पर क्या उठाएगा, लेकिन लफ्ज़ों के तीर, जुमलों के तुरश, लहजे और ज़ुबान की कड़वाहट। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे कि ज़ुबान तो रूह को घायल कर जाती है, बंदे को अंदर से तोड़ के रख देती है ये ज़ुबान। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने बहुत सारे जुमले ज़िंदगी में बोले, मैं यकीन से कहता हूँ कि उन्हें भी पछतावा हुआ कि यार मुझे ये वाला लफ्ज़ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन काश ये बाद में पछताने से पहले आप सोच लेते। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझे पता है जो वो कह रहे हैं वो माफी ज़मीर उनका नहीं है, वो उनके ख्यालात नहीं होते, लेकिन वह वो कह दिए उन्होंने, और कहने के बाद अंदाज़ा हुआ कि ये हमें कहना नहीं चाहिए था। दूसरा इरशाद फरमाया कि तू इस तरह कर, अपने घर को ना लाजिम पकड़ ले, तेरा घर तेरे लिए बेहतर है, तेरा घर तेरे लिए किफ़ायत करने वाला है। शरीयत इस्लामिया में ना रहबानियत मना है,
सारे हुकूक छोड़ के बंदा घर में बैठ जाए, उजरे में बैठ जाए, मर्जी मना है, लेकिन कुछ देर के लिए वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट कर अल्लाह के साथ जुड़ जाओ। कुरान मजीद ने कहा वो क्या है कि कुछ देर के लिए खलवत जरूर इख्तियार, जैसे आप इतकाफ में बैठे हैं, सबसे कट के अल्लाह के घर आ गए, ये कुछ देर के लिए ये काम करने का जरूर हुक्म दिया गया। आप देखिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इस्लाम में रहबानियत नहीं, सारे हुकूक छोड़ के जाना नहीं, लेकिन कुछ देर के लिए, थोड़ी देर के लिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिन के लिए गए ना कोहे तूर पे, फिर अल्लाह ने तो रात अता फरमाई, वाइज़वादना मूसा अरबईना लैलतन, हमने मूसा अलैहिस्सलाम से 40 रातों का वादा लिया। नबी पाक अलैहिस्सलाम कितने कितने दिन जाके पहले गारे हिरा में बैठे, फिर अल्लाह ताला ने वही अता फरमाई। तो कुछ अपने घर में वक्त गुजारें, इबादत में वक्त गुजारें, अल्लाह की याद में वक्त गुजारें, सारा वक्त घूमने में फिरने में ज़ाया ना कर दें। कुछ लोग ऐसे इबादत के लिए बिठाओ तो थके हुए हैं, और उनसे को कहीं जाना है तो वो तैयार बैठे हैं, तो कुछ औकात अपने इस पर भी लगाएं। और तीसरी बात जो इरशाद फरमाई गई वो ये है कि अपनी खताओं पर रोया जाए। हम ना बड़ा तबसरा करते हैं, बड़ा रोना आता है किसी की मजलूमियत पर, किसी के दुख पर, मुल्की हालात पर, लोगों पर, अच्छी बात है, लेकिन निजात के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपनी खताओं पर भी रोए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम्हें अल्लाह के खौफ से आँख से इतना कतरा भी नसीब हो गया जितना मक्खी और मच्छर का पर होता है, तो अल्लाह तबारक व ताला इतना भी तुम्हारी आँख से आंसू निकल गया तो जिस तरह भैंस के थनों से निकला हुआ दूध दोबारा थनों में नहीं जाता, तुम भी दोजख में नहीं जाओगे। और दो आँखें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। यार रसूलल्लाह कौन सी? फरमाया कि जो रब की रज़ा के लिए पहरा देती है, और एक वो आँख जो अल्लाह के खौफ में आंसू बहाती है। ये दो आँखें अल्लाह को बड़ी प्यारी हैं। तो इसलिए ये तीन बातें आपने नहीं भूलनी, एक तो ये कि अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें, एक अपने घर में मस्जिद में उजरे में कुछ देर बैठ के अल्लाह को याद करें और कोशिश करें कि बग़ैर वजह के घर से न, और तीसरी बात ये कि अपनी ख़ताओं पर आंसू बहाने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए।